वेलकम. मोदी मोस्ट डाइवर्सिफाइड प्लेस ढूंढने की हो रही है कोशिश. बढ़िया वाला ऐसा कोई डाइवर्सिफाइड प्ले है क्या आपकी नजर डिजाइन में, जो अभी भी हम रिटेल ले सकें? सर, मेरे नजर में एक डाइवर्सिफाइड प्ले है, मोस्ट डाइवर्सिफाइड इन द फाइनेंशियल सर्विसेज फील्ड, और ये है कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि ये प्रेजेंट है अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन. होलसेल बैंकिंग में है, कमर्शियल बैंकिंग में है, कंज्यूमर बैंकिंग, और बाकी जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, वेल्थ मैनेजमेंट हो, स्टॉक ब्रोकिंग हो, इंश्योरेंस, दोनों लाइफ और जनरल इंश्योरेंस है, AMC है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो ऑलराउंडर कंपनी बैंक है ये, और इट इज अमंग द लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, क्योंकि 1612 ब्रांचेस है, 2600 के आसपास ATMs है, हर एक महीने करीब 5 लाख कस्टमर्स एक्वायर कर रहे हैं, वॉक इन नहीं है, डिजिटली एक्वायर कर रहे हैं, तो काफी बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है डिजिटल स्ट्रैटेजी पे, जिसपे मोदी जी का भी काफी फोकस है, तो इनका भी फोकस डिजिटल स्ट्रैटेजी पे है. जहां भी हम लोग देखें कि उनका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है HDFC बैंक, उनको वहां पे दिक्कत हो रही है, RBI से रैप भी मिला है उनको, पर कोटक द वे दे हैव गॉन अबाउट डिजिटल स्ट्रैटेजी, काफी सक्सेस मिला है वहां पे. और बाकी यदि मेट्रिक्स भी देखें तो आई थिंक दे हैव द बेस्ट इन क्लास लायबिलिटी फ्रेंचाइजी, काफी प्रूडेंट है अंडरराइटिंग में, स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजिशन है, और यदि कासा 3.2% है, टोटल कंज्यूमर एसेट्स करीब 2,64,000 करोड़ के हैं. NPAs के मामले में थोड़ा बड़ा है, बट स्टिल इट इज वेरी मच अंडर कंट्रोल. ग्रॉस NPAs करीब 3.58% है, नेट NPA 1.34% है, कैपिटल एडिक्वेसी एक्सट्रीमली गुड 23.7%, और इन्होंने जो ग्रोथ भी किया है इन द पास्ट, ऑल्सो दे आर डन थ्रू एक्विजिशन. ING वैसा बैंक इन्होंने एक्वायर किया था, काफी इंटीग्रेशन काफी स्मूथ रहा, दैट्स बीन कंप्लीटेड, और मुझे लगता है कि अभी भूख है फॉर द नेक्स्ट एक्विजिशन, तो वो शायद आई थिंक दैट शुड कम इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, तो शायद वो एक ट्रिगर रहेगा कोटक के लिए. बट देन इफ यू लुक एट द फाइनेंशियल्स, तो मेरा बाय रेटिंग है विद टारगेट प्राइस ऑफ 2,171. बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक समय हम लोग को रिवाइज करना पड़ता है, तो इमीडिएट टारगेट एक साल में करीब 2,171 है, विच इज 4x बुक वैल्यू फॉर FY23. और इफ यू लुक एट द पास्ट 10 ईयर्स, इनका कंसिस्टेंट रहा है, द वैल्यूएशन हैज बीन एट 4x बुक वैल्यू, तो आई एम नॉट गिविंग इवन अ प्रीमियम टू दैट, उसी रेट पे जाते हैं तो 2,171 होता है टारगेट. तो हिस्टोरिकल जो ट्रेंड था 4 times ऑफ बुक वैल्यू, उसी को रख लें तो भी अच्छे खासे टारगेट यहां से नजर आएंगे, और बहुत एग्रेसिव टारगेट्स, बट ऑब्वियस है जिस लेवल पे बाजार खड़े हुए बनता नहीं है, रीअसेस करना है बाजार का मूड, स्टॉक मार्केट का मोमेंटम, लेकिन फिलहाल के लिए 2,171 तक के लेवल्स पॉसिबल नजर आते हैं. मैं सोचता था